भागवत भगवान की जय।
भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप की आरती, भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से आरती। मधुर बोल जगवंत को सदमार्ग बताने वाला, बिजली को बनाने वाला, मधुर बोल जगवंत को सदमार्ग बताने वाला, मधुर बोल जगपंथ को सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है, मधुर बोल जगपंथ को सदमार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम श्री घनश्यामयी, श्री राम श्री घनश्यामयी, सीताराम श्री रवि श्यामयी, सीताराम श्री रवि श्यामयी, महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की आरती, पापियों को भगवान की आरती, पापियों को पाप आरती, भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप की आरती। हरिओंताय विमहे भक्तृंदा दीवे तन्नो दंते प्रचोदया, हरिओं गणपताय विमहे कर्म सत्यमहे तन्नो गौरी प्रचोदया, हरिओं आंजनेय विमहे भाई पुत्राय धीमहे तन्नो हनुमत प्रचोदया, हरिओं हंसंताय विमहे परमहंसाय धीमहे तन्नो चित्त प्रचोदया, हरिओं नंदनंदनाय विमहे यशोदानंदनाय धीमहे तन्नो कृष्ण प्रचोदया, श्रीमंतिकावतुलचम्बटपाटलोऽपि पुण्याङ्गजातकरवीररसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीरलमञ्जरीरे त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीर, नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोत्पवानि च पुष्पाञ्जलिव्रानत्तग्राणपरमेश्वर, सादर भवति गन्धपुष्पाञ्जलिं पुष्पं समर्पयामि नमः। हरिलाल की राजरानी सरकार की, हनुमान जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, शंकर भगवान की, लक्ष्मी दुर्गा मैया की, जयराधे वाली मैया की, सुत बाबा महाराज की, महाराज की जय, और सरकार की जय, आज के आनंद की जय, सूर्य भगवान की जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय।
विष्णु की जय जय उमापति भोले शंकर की जय जय उमापति भोले शंकर की जय जय Oh,
भक्त भगवान की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। सच्चिदानंद आनंद कन्द भक्त वत्सल मुरली मनोहर कृष्णचंद्र के चरणारविंद में नमन करते हुए कथा शुभारंभ करते हैं। आलोपी शंकर महाराज जो पर्वत पे विराजमान है, वो रात में क्यों आए इसको भी समझो। राम जी है सूर्यवंशी, तो सूर्य को प्रसन्न करने के लिए वो दिन में आए, और ये है चंद्रवंशी, तो चंद्रमा को खुश करने ये रात में आए। जब राम जी दिन में आए तो चंद्रमा ने कहा कि प्रभु आप दिन में आ रहे हो तो सूर्य को सुख दोगे, मुझे नहीं दोगे। दुखी होने लगा चंद्रमा, तो राम जी ने क्या कहा, तू चिंता मत कर, मैं अपने नाम के पीछे तेरा नाम जोड़ दूंगा, राम चंद्र। राम जी का नाम अकेला नहीं निकला, रामचंद्र। जब रात्रि की बारह बारी कारागृह में भगवान का प्राकट्य हुआ था वसुदेव और देवकी के सामने, देवकी वसुदेव घबरा गए, कंस को पता नहीं चल जाए। भगवान ने कहा क्या कहा, घबराओ मत, अभी तुम्हारे देखते देखते बालक बन जाऊंगा और ये पहरेदार सो जाएंगे, फाटे खुल जाएंगे, तुम्हारे हाथों की हथकड़ी पैरों की बेड़ियां कट जाएंगी, और यशोदा के भैया लाली गोकुल में मुझे यहां से मंगल भवन मंगल हो सोदा सर अजीर बिहारी अजर बिहारी। भगवान के नाम ही मंगल भवन, अरे कोई नाम ले तो लो। भगवान कहते हैं तू एक बार कह दे हे प्रभु मैं तेरा हूं, इसको कहने में भी संकोच करते हैं। कोई नेताजी आ जाएंगे, कहीं मिनिस्टर आ गए तो अरे भैया हम तो तुम्हारे, तुम क्या बताए करेंगे। और भगवान का कितना एहसान है, दो हाथ दिए हैं, ऐसा सुंदर शरीर दिया, उनके एहसान को बिल्कुल भूल जाते हैं, अन्य को अपने संग में कछु कर दे वो भैया ते एहसान कभी नहीं भूलेंगे। हर आदमी इस बात को कहता है, हर व्यक्ति इस बात को कहता है, कभी किसी ने ये परमात्मा का कहा है कि प्रभु तुम्हारे एहसान को कभी नहीं भूलेंगे, तुमने ये सोने कैसी काया हमें दी है। अरे कोई भी नेता जोड़ लो, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु सखा, परमात्मा से कोई भी नाता जोड़ लो और वो नाता अमर रहेगा, और ये नाते ये मेरा पुत्र ये मेरा भाई ये मेरे पिता, ये तो क्षण भंगुर के नाते हैं, कौन कब साथ छोड़ जाए किसी का कोई भरोसा नहीं। और हुआ वही, वसुदेव लेके चली यमुना में पहुंची, यमुना में बाढ़ आ गई, क्यों आई, यमुना थी भगवान की पटरानी, इनके चरण छूने के लिए बाढ़ आ गई, भगवान के नन्हे नन्हे पांव, और यहां तक वसुदेव के मुंह में जल भरने को तैयार है। भगवान ने कही तो सर बना दी, ससुर के सर पर ही चढ़ी चली जा रही है, नन्हे नन्हे पांव दिए, लात दे दी, हट रास्ता दे दिया, और वक्तसल भगवान की रास्ता दे दिया। वसुदेव पहुंची गोकुल में, जहां यशोदा के बगल में लाली सो रही, लाली सो रही थी, यशोदा तो ऐसी अचेत थी, कोई ध्यान ही नहीं कि मेरे बगल में कौन सो रहा है। वसुदेव ने लाली तो उठाई ली और लाला सुलाई दी यशोदा के बगल में, लौट के कारागृह में मथुरा में जेल में आ गया, और जैसे ही आए पहरेदार चले आए, उनके हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़िया वैसे की वैसी पड़ गई, क्योंकि माया आ गई, लाली कौन थी, माया थी,
जब माया आ जाएगी तो समझ लो माया का चक्कर तो ऐसा ही होता है। ये माया कुछ करने नहीं देती है। विचार करेंगे, चलो कल तो सत्यनारायण की कथा करवाई दूं, तो माया को ज्यादा प्रभाव है, अरे देने दो, अगले महीना में देख लेंगे। वो प्रोग्राम भी सत्यनारायण की कथा भी महीनों निकल जाएगी, नहीं हो पाएगी, उसकी कृपा नहीं होगी। अब आ गई माया, फिर हाथों में हथकड़ी, पैरों में भेड़िया, वैसे की वैसी पड़ गई, कारागृह से रोने की आवाज, पहरेदार जग गया, गजब हो गया, ये क्या हो गया, कंस आ गया, बड़बड़ाता हुआ, मेरा आठवां गर्भ पैदा हो गया। आकाशवाणी ने कहा था, कंस आठवां गर्भ तेरा काल होगा। कंस आया, कंस ने देखा वसुदेव की गोदी में जो देखी लाली, ये तो आकाशवाणी झूठी हो गई, पर हो सकता है यही काल हो, इसे मार दो। जबरदस्ती से देवकी की गोदी से खींचने लगा। देवकी ने क्या कहा, अरे भैया ये तो तेरी भांजी है, तेने एक एक करके मेरे छह बालक मारे, मारे ने तुझसे कुछ नहीं कहा, पर इसे तो छोड़ दे, पर दुष्ट नहीं मानेगा। लाली को गोदी से खींचा, पैर पकड़े और धड़ाम सिरे नीचे दिया, आकाश में उड़ गई और अष्टभुजा दुर्गा प्रकट हो गई। बोल सत्य दरबार की जय। अष्टभुजा दुर्गा प्रकट हो गई और क्या कहा, रे कंस तेरे मानने वाला तो गोकुल में है, जो आकाशवाणी है वो सत्य हुई, कभी झूठी नहीं हो सकती, आठवां गर्भ गोकुल में पहुंच गया है, तेरा काल तो गोकुल में है, अब चलते हैं गोकुल की ओर, बैठे बैठे चलेंगे, उठने की जरूरत नहीं है, गोकुल को जाएंगे तो बसु नहीं मिलेगी, वो तो लॉकडाउन चल रहा है, समय की मल्यारी है। इधर में यशोदा सो रही थी, पर यशोदा ये नहीं पता कि लाली भी है कि लाला भी है। यशोदा की एक ननद थी सुनंदा, नंद भांजियों को बताओ तुमने क्या कहते हैं, पतो चल जा, सुनंदा ने देख रहे हो यशोदा पे नौ लखा हार, बोले भाभी के कहूं लड़का है गयो तो जा नौ लखे मांगे, भाभी के लाला से है गयो तो जा नौ लखा हार ये मांगेगी। जो लाला बगल में देखो, सुनंदा बोली ओहो गजब हो गया, आज वो मौको आएगा नौ लखा हार लेवे को। बाहर पहुंची, नंद बाबा दरवाजे पे बैठे, भैया 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 है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो। नंद बाबा ने कहा है गयो के है गयो, प्रेम में पागल है गई न्योनी के लाला है गयो है गयो है गयो, चल जावे क्योंकि खुशी में हूं ऐसे पागल हो जाते हैं, या दुख में पागल होंगे या खुशी में, कहती अटैक तो पत्ते दुख में या खुशी में, आजकल ये अटैक की बीमारी चल गई है। अटैक क्या है, अरे समय आ गया, चाहे अटैक समझो चाहे कुछ भी समझो। नंद बाबा ने की कहा है गयो, कछु कत्ते कान में क्योंगी भैया, ने कोई दूसरा सुन लेगो तो हारे ले लेगो, भैया लाला है गयो और कांसी की थाई बजा दी, कांसी की थाली बजा दी, लाला हो गया, क्यों पहले कांसी की थाली बजती लाला होती तब, अब तो कांसे घर में ही नहीं मिलेंगे, पीतर भी तामा भी नहीं मिलेगा, अब तो स्टील घर में मिलेगी, गगरिया स्टील की, तमड़ी स्टील की, टंकी स्टील की, ब्यासा दिन में स्टील ही दे रहे, अब है गए एकदम जैसे पूछी लाला है गया, फिर तो ढिंडोरा पिट गए, पूरे नगर में ढिंडोरा पिट गया कि नंद बाबा के लाला है गया। नंद के आनंद भयो देख कन्हैया लाल, 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 देख कन्हैया लाल, देख कन्हैया लाल, देख कन्हैया लाल की जय हो। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल।
हल्ला मच गयो, पूरी गोकुल में हल्ला। लाला है गयो नंद बाबा के, सब दौड़ी दौड़ी देखे आ गए। समस्त ग्वाली, सभी ग्वाल, सभी नगरवासी और एकदम पूरे गोकुल में क्या सन्नाटा। कि ब्रज में हे रे जय जयकार, नंद घर लाला जायो करी।
बने हुए रामकृष्ण तंवर जी वो भी बधाई बांटते हैं क्योंकि बधाई जरूर बढ़ती है। यह तो नंद बाबा की जय। तो नंद कछु इतनो दुज दियो घनश्याम कुबेर हूं कीमत। नंद बाबा ने इतना दान दिया कि कुबेर भी भंडारी घबरा गया। जो हमें ताय दान में देती थी कछु मांगे सुई दे रहे क्योंकि 80 साल में 80 वर्ष की उम्र में लाला भयो हुए बुढ़ापे में। और वो कब भयो? ब्राह्मण देवता महल में आए। ब्राह्मण देवता ने कही बाबा हम ऐसा जाप करेंगे यमुना के किनारे के तेरे लाला होंगे तभी लौटेंगे। ब्राह्मण पहुंच गए यमुना के किनारे। क्यों? ब्राह्मणों का आशीर्वाद जिसे मिल जाए बाकी सब काम बन जाते। ब्राह्मण बैठी थी यमुना के किनारे। ब्राह्मण भी महल में आ गया। मुंह मांगा उनको दान दिया। अब चलते हैं इधर में बधाई बट रही ग्वालिनी आ रही झुंड के झुंड इकट्ठे होके आ रही थी। कंस को पता चल गया कि मेरे मरने वाला गोकुल में पूतना बुलाई पूतना। अब देखिए ये पूतना कौन थी पहले इसे समझो। ये पूतना थी राजा बलि की कन्या रत्नमाला। ये गूढ़ बात है। राजा बलि की कन्या थी रत्नमाला। बोले ये पूतना क्यों बनी? उन्हें इसका कारण था। जब बामन भगवान गए बलि के यहाँ बलि को छलने Thank you.
बाबा को मनाने लगे। कौन? कन्हैया। बोले बाबा तुम तो जहर को पी जाना, मैं इसका प्राणांत कर दूंगा। और गोदी में लिया, जहर मिला हुआ स्तनों से जहर लगा के आई लला के मुंह में दे दे। कन्हैया के कन्हैया ने सोची वाह, छठी का दिन है और पहले जहर बीवी को मिल रहे, चलो अच्छा है। स्तन मुंह में दिया और हाथों से पकड़ा स्तन, कन्हैया प्राणों को खींचने लगे। जब प्राण खींचने लगे महल में से भागी बाहर निकली और विशाल रूप छह कोस का शरीर था जिसका। मुनीश्वर घरों में तपस्या कर रही है, मरते वक्त उनके हृदय से भी राम का नाम नहीं निकलता है। तामे इसको भगवान ने मारा, चंदन कैसी सुगंध क्यों नहीं आई। नंद बाबा अपने महल में आ गए। नंद बाबा आए महल में, लाला को पालने में सुला दिया। अब एक नहीं दो दो लाला। नंद बाबा ने यशोदा ने लाला को पालने में सुलायो, भोले बाबा को पतो चल गयो कैलाश कि गोकुल में कन्हैया को जन्म है गयो। तुम्हें दर्शन कर आऊ जो भी बन के आ गए, डबरू हाथ में सांप बीचू लटक गए, मैया पालने में झला रही थी। तो क्या कहते हैं कि ठाणी मैया यो समझावे। मैया कहती अरे बाबा भाग भाग, सांप बीचू लटके डबरू हाथ में हसमी लगी गई, तो ठाणी मैया यो समझावे, मत पावा तू संत बजावे, तिर लटके कारी नागरी पालनों में सोवे मारो जार जाओ मैया घर कराए दे।
जाओ दर्शन करके तो मेरे सुन ले दर्द कराए थे बोले बाबा और लाला का मिलन हो रहा है। एक छकारा बड़ी जोर से बोले क्योंकि तुरई तो लगी ना ने, बाकी कोरोना की चिंता मत करिए, तुरई ना लगी जाई वजह से, क्योंकि ये समय का प्रभाव है। अति यशो जयकारा बोलो, हेती आवाज पहुंच जाए कहां तक, भोले बाबा के कानों तक, कैलाश नगरी तक। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय हो। अब मैया हट पड़ रही, बित में बाबा हट पड़ रही। बाबा ने कही नहीं मैया, दर्शन करके ही जाऊंगू, ना करा रही तो मैं चलो। जैसे ही बोले बाबा लौटी, कन्हैया बोले आए तो दर्शन कर भी को, वैसे ही लौट चली। कछु लीला रच दे पालनी में, रोने लगी बड़ी जोर से रोई। अब जोर से रोई मैया ने कही ये लाला को कहा है गयो, कहा गयो। जब बाबा की नजर लग गई, जब बाबा की नजर लग गई यानी कछु लाला पे कर दे। अच्छा ये गोपी बोली तो मैया मैं जलाला को बुला ले। हाँ बुला के ला। ओ बाबा बाबा इधर आओ, कहाँ जा रहे हो, प्रसन्न हो गए। बोली बाबा बोली धन्य प्रभु तुम्हारी लीला के लिए, बालक बन गए गोकुल में। कन्हैया ने कही बोले बाबा चुप रहो, इस रहस्य को किसी से कहना मत, इस रहस्य को किसी से मत कहना। और वही हुआ, भोले बाबा दर्शन करके चले गए। भोले बाबा दर्शन करके गई। अब मैया ने सोची कि ये जो है बधाई ले लेके आ रही है, घर में जगह की कमी है, कुछ ऐसा होता है भैया, कुछ मकान तो बड़े ही होते हैं, 40x60 के, कुछ 50x50 के, कुछ 60x80 के, लेकिन कम कम मकान होगा, ज्यादा जो माता बहने भाई आएंगी। Hey, Nath Narayan, 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 Narayan,
तेरे लाला ने माटी खाई, वो मैं तीनों लोग दिखाई देंगे, मैया चक्कर में पड़ गई, ये तो त्रिलोकी को ना दे, मैं तो जाकू अपनो लागा समझ रही, आज मुझको पतो चलो ही ये तो त्रिलोकी का ना थे। कन्हैया बोले मैया ने त्रिलोकी को ना तो समझ लो को, तो कहा करेगी, गडर घंटी बजा देगी, 100 ग्राम को भोग लगा देगी, शहर से ये माया हटा दे और बूदी में कन्हैया। भैया मैं त्रिलोकी को नाथ कर, मैं तो तेरो लाला हूँ, तेरो कन्हैया हूँ, सब माया हटा दी। माया है तो किसकी है? भगवान की। तुलसी बाबा ने बताया है कि चिंता सांपने को नहीं खाया, चिंता सांपने को नहीं खाया, कोई ऐसा नहीं जिसे भगवान की माया व्याप्त न हो। जैसे माया हटा दी, फिर गोदी में मैया भी समझ गई ये तो मेरा लाला है, नहीं नहीं लाला। अब देखो अभी जिनके नाम ना धरे आए, नाम धरने की तैयारी तो है रही है, लाला भयो तो नाम तो धरवा लो भैया। पंडित जी को खबर करते हैं जैसे हमारे सुनी छोटी छोटी छोटे छोटे चल भगवान की गौचरण करते हैं। अब भगवान ने सोची चोरी को नंबर कहते लगाते पहले करते, हमेशा देखना छोटे बच्चे चोरी करना कहां से सीखते हैं? घर से। बाबा की जेब में रुपया धरे 5 सेट,
और बालक निकाल के ले गो दो से, और पता चल गए हो कि बालक ने निकाली है। वो ये दूसरी नहीं प्रताड़ित करोगे, नहीं डांटोगे तो आगे दूसरे घर में चोरी करें। कन्हैया ने तुझे चंद्रमा के ये खिलौना ही ले लेंगू। अब देखिए चंद्रमा को ले सकते पकड़ सकते पर बाल मैया करा दे मेरो प्यार से मेरे चोरी से मैया करा दे Thank you.
छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में खोले 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 तेरे सामने मैया वो घूमे द्वार पे चली जाएंगी गोकुले छोड़ के काहे को ये तेरे लाला थे हम तो परेशान आ गई देख तेरे लाला ने हमारो माखन खायो और माखन खा ली तो कोई बात ना घर में खींच मचा दी मटकियां फोड़ दे और बंदरों को खिलावे मयूरों को खिलावे Oh,
ग्वाली कंस की ठोकर बता रही सुन। कंस का कसम लगे तीरों, 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 कि काऊ की न मारी करे मुझे कन्हैया बोलिया वापिस लौट चल के नहीं लौट लूंगी। एक कंकड़ उठायो मथानी में दे दे फट फोड़ दी मथानी फोड़ी। ग्वाली बोली चल अब मैया को शिकायत करेंगे। क्यों ये पता कितनी पुरानी मेरी सासू की सासू के सासू के जमाने की मथानी तेने आने आ रही फोड़ डाली। ग्वाली पहुंच गई मैया के यहाँ। मैया ये तेरे लाला ने मेरी मथानी फोड़ डाली। लाला देरा क्यों पूरी मैया सांची कह दूं कही दे ये मैंने ताती पूरी जा मथानी में तीन दिना को बासो दियो अको खा ले तू तो बीमार पक जा तो ताती पूरी बात बताने में कितनी चट। अब तो ग्वाली तंग आ गई। एक आई पढ़ी लिखी ग्वाली बी पास बाने कही अब एक मीटिंग कर लो और मीटिंग करके जा रंगे हाथ पकड़ो। जैसे रंगे हाथ पकड़ाती नहीं रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ो तब तो मैया मानेगी। मैया न्यू कहते तुम झूठ बोलो मेरे लाला माखन नहीं खा क्यों मैं कमी 9 लाख गौवे नंद बाबा के और नित नब माखन मैं का की कभी माखन की मेरे लाला चोरी कह को करे वो सब ग्वाली मीटिंग करी। और क्या किया सब छीके इनके घर घर घंटी बंद अलार्म सिस्टम फिट कर दिया। एक घर की छीके पकड़ेंगे उस सब घर की घंटी बन जाएगी। मुको नहीं है पकड़ ले ठीक। ग्वाल बाल बोली मनसुखा बोलो भैया दादा आज तो छीके इनके घंटी बज गए और आज को पकड़ में आ गए तो पिटाई होगी। कन्हैया बोले कोई बात ना ने एक दिन पिटी लेंगे। मनसुखा बोलो दादा सब रोजाना की चराई और एक दिन की पिटाई में बराबर तो घबराऊंगा। कन्हैया गई ग्वाली के घर में छीके ते बंदी घंटी। कन्हैया ने पहले ही हाथ जोड़ ले ये घंटी मैया तू बजियो मत। ग्वाल के कंधा में चढ़ी मथानी उतार ली घंटी नहीं बजी। माखन खाबे को मथानी में हाथ डाल लियो तो घंटी नहीं बजी और माखन निकाल लियो दही हाथ में ले लियो तो घंटी नहीं बजी और मुंह की तरफ ले गए सब घंटी बज गई। क्यों त्रिलोकी को ना तो भोग लगावे और घंटी नहीं बजे भोग लगाते तो घंटी बजा सब घंटी बज गई। हाथ सीने ग्वाल ली अभी अब पकड़ ली कन्हैया पकड़ ली कन्हैया पकड़ी ग्वाली हाथ पकड़े ले जा रही है। और ब्रज में एक प्रथा है क्या घूंघट प्रथा। आज भी ब्रज में ब्रज की माता बहने एक हाथ को दो हाथ को लंबो घूंघट डाल के रहते आज भी ब्रज में प्रथा दो हाथ को घूंघट डरो। ग्वालनी कन्हैया पकड़ के ले जा रही वह ग्वालनी को पति सामने आएगा
कन्हैया की दादाई तक आ जाते ग्वालिनी को पति बुला ले हो अपनो हाथ छोड़ के और ग्वालिनी के पति को हाथ ग्वालिनी के हाथ में दे दो अपन बज गए रखू चक्कर। अब ग्वालिनी तो गुस्सा में रहे दारी के पहले मैं पीट लूं और फिर मैया बचा तो अपने पति में ही गुंचा दे लो और पति देव ऐसे इनकी पिटाई सेल कर रही पंजो नहीं किसी मुझे मर रही है लम्मा घूंघट टीके तो हत नहीं बोले कन्हैया ही है अब जाके मन की भजाई लूंगा पीट लू सो गुलचा दे रही गदना दना गुलचा देती भाई ले गई मैया के यहाँ मैया देख तेरे लाला पकड़ लाई लाला पकड़ ली दारी के तेरे भांग तो ना खाई ली पहले देख घूंघटे उठाए ये मेरे लाला के तेरे कुएं जैसे ही ग्वालिनी के घूंघट हटायो देखो तू ग्वालिनी को पति शर्म की मारे गर्दन झुकी दारियो मेरो लाला कहूं चोरी करे लाला हजरे कहा अब आनंद आई ग्वालिनी वापिस एक दिन का नहीं आ घूमते घूमते एक बगीचे में गई बगीचे में क्या देखा एक लाली दिखाई दे गई छोटी सी लाली दिखाई दे गई लाली दिखाई दे कन्हैया ने कही वो लाली खड़ी रहे भाग गई बरसा नहीं बोले कल फेरे आवेगी कन्हैया फिर दूसरे दिन पहुंच गई उसी बगीचे में दूसरे दिन फिर लाली आ गई लाली आई तो बोले अब आका हकदारी है छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में बोले रे छोटी सी मेरे अंगना
उस दिन से राधा का संबंध जुड़ गया, प्रेम का संबंध। अब तो राधा